असी गुरु घरां दे विचों कुछ ना कुछ कढ़न नूं तैयार है। जिहड़ी चीज़ कढ़नी चाहीदी है जदों कढ़ी दे उत्ते चीकां पैंदियां। कुर्सियां कल जलंधर दे विच कढ़ियां तीन चार, वह नौजवानों ने बाहर फूक दियां, असी दे अंदर खड़े सी। उस गुरद्वारे का हैड ग्रंथी झूठ बोल रहा शरिया, साढ़े कोल सारे सबूत पए ने, झूठ हो गई बोल रहा भी इन्हां ने आण के कहिंदा गुंडागर्दी की है, संगत नूं मढीर दस रहा जिहड़ी खालसा भीर दे नाल तुरी फिरदी। उस संगत लेरी उन्हें मढीर शब्द वरत्या है तो कहिंदा भी आए तो आ के गुंडागर्दी की। आप पहलां बाहर खड़े सी, बाहर खड़े सी सरोपा लैके साडा स्वागत करन। जे साडे मन दे विच असी किसे नूं नाराज ना करना होवे, सारे ना बना के रखी नहीं होवे, तो असी भी सरोपा लैके तुर जांदे जी। सानू की मतलब लोड़ पई है किसी ने विवाद खड़ा करन दी? वो कहिंदे भी एक बारी बेनती आ, आप आख्या नहीं तो असी किसे गुरु घर दे विच रुके नहीं सी, क्योंकि गुरु घर बहुत सन, जे रुकदे समा वध लगदा सी। सो असी यह क्या भी सारे नूं बाहरों ही फतेह बुला देनी, गुरु साहब कृपा करन भी बाहरों फतेह बुला के नमस्कार करके तुर पैना। कहिंदे भी एक मिनट अंदर आ जाओ, तुसीं अंदर सन्मान कर दें। असी क्या भी चलो आखिरी गुरु घर है, इत्थे अंदर जा वड़दे। जदों अंदर गए नमस्कार की, नमस्कार करके उठे तो सज्जे बन्ने खालसा जी सिनेमा बनाया उन्होंने, मॉडल टाउन गुरुद्वारे गए ना जलंधर तुसीं, सज्जे बन्ने थां डूंगा करके घटो घट 70-80 बंदियां दे बहण जोगियां कुर्सियां लाईयां, तो उत्थे 3-4 बंदे बैठे सी। मेरा उधर ध्यान गया तो मेरे को नहीं रहा जांदा। उत्थे एक कथावाचक कथा भी करदा सी, मैं उन्हू बड़े प्रेम सहित बेनती की थी भी भाई यह की हो रहा, असी उन्हां कोल गए जिहड़े बैठे सन, तो मैं जाके उन्होंने पता की आख्या, मैं जाके उन्होंने ये नहीं आख्या, ना कोई शब्द बोलिया माड़ा, मैं कहा भी खालसा जी तुसीं नीवें थां ते बैठे जो, इदां करो गुरु दे उत्ते कुर्सी ला के देने, उत्थे बैठो आण के, जे तुहाडे मन दा कोल ठीक ना होवे ते तुसीं इत्थे आ जाओ, इत्थे कुर्सी ला देने तुहानू। और जिहड़े कहिंदे सी उह कुर्सियां अपाजां वास्ते है, वह तिने बंदे इन्नी स्पीड नाल दौड़े उत्थों भी किसे दड़ाक नूं पिछे छड़ जाण। फिर जे अपाज सी तो लत्तां काम करन लग पईआं, जे काम करन लग पईआं तो फिर मेरे विरोध च क्यों बोलना, मेरे सगों हक च बोलन, शुकराना करन भी भाई इस बंदे दा करके साड़ी लत्तां तुर पईआं ने। पर हालात की हो गए भी उस तों बाद च उत्थे असीं उहनूं कहा भी उन्ना चिर मैं सरोपा नहीं लैणा, मैं सीधी गल कीती उहदे नाल। कुर्सियां कमेटी ने आप बाहर कढ़ियां, बाहर नौजवानां ने उहनूं अग ला दित्ती। मैं नौजवानों को कहा कि इतने अग ना लाओ, उसका कारण यह भी शहर का इलाका बड़ा भीड़ा है, एवें किसी होर थान अग लगेगी, और लगी अग असी बुझा दी भी कोई नहीं, कितने दूर खड़ के इन्हों फूक दो भावें। फिर उस तो बाद फिर दरबार के अंदर गए, अंदर जाके संगतां नूं संबोधन किया, इलाके की संगत नूं यह पुछया भी खालसा जी इतों कुर्सियां निकलियां तुहानूं कोई इतराज है? उन्हें जकारा छड़ के आख्या भी सानूं कोई इतराज नहीं, असीं खुश हाँ, असीं कहिंदे थक के साडी गल नहीं मनी इन्हां। वो कहिंदे भी असीं कहिंदे थक के बोल बोल के थक के ये साड़ी गल नहीं मानते। तो मैं कहा जे तुहानूं कोई इतराज नहीं ठीक है, अरदास की। हैड ग्रंथी उत्थे सी, एक दो प्रबंधक उत्थे सी, आप अरदास शामिल होए, अरदास शामिल हो के सतगुरु को खिमा मंगी। उस बंदे ने आप अरदास शामिल होकर सतगुरु को खिमा मंगी। खिमा की मंगी भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी, असी अणजाणे च भुल करी बैठे, कृपा करके सानू बख्श लो। सतगुर सच्चे पातशाह का हुक्मनामा साहब लिया, तो उस तो बाद मैं उहदे कोल सरोपा लिया, तो उन्होंने सरोपा पाया भी तू चंगा काम किया, तू हिम्मत की है। मैं उत्थे ये भी कहा भी जे तेरे ते किसी किस्म का दबाव है तो तू हुणे अपनी प्रबंधक कमेटी को बुला, असी कोई गुंडागर्दी करनी है, असी बेनती करनी है भी भाई एक कोर्ट नूं ला दिओ। तो उदों कहिंदा भी नहीं, ये मेरे हाथी है सारा कुछ, मैं तुहाडे नाल सहमत हैं, सारा काम जिहड़ा है ताम जाम वीडियो दे विच पिया पा देणगे सिंघ इक दे दिन ते। उस तो बाद सरोपा उन्होंने मैनू दिता, मैं उन्होंने सरोपा भेट किया ग्रंथी सिंह भी, तो हैड ग्रंथी भी, एक तो सिंह ताबिया बैठा से, एक हैड ग्रंथी सी, तो सरोपा दे के असी बाहर आ गए। बाहर आए हैं
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਾਲੇ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਰੂਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨੇ ਤਹੀਆ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ 'ਚ ਚੋਰ ਵੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਲਿਖਾਈ, ਉਹ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੀ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਹਿ ਛੱਡੋ ਵੀ ਹਰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਉੱਠ ਕੇ? ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਝੋਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਜੋ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਹਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ,